दीदी, अगले हफ्ते मेरे बर्थडे पर तो छुट्टी ले लो ना, प्लीज। I'm so sorry, Kaira, but it's not possible. और छुट्टी लूंगी ना तो सैलरी भी कटेगी। Not possible. पैसे, पैसे, पैसे। हाँ कायरा, पैसा जीने के लिए ना पैसा बहुत जरूरी है। उस दिन अगर हमारे पास सिर्फ 500 रुपए होते ना, तो वो ट्रक वाला मम्मी पापा को हॉस्पिटल लेके जाता और वो रोड में ऐसे तड़प तड़प कर मरते नहीं। तुम्हारा पोलियो, उसका इलाज हम लोग करवा पाए? नहीं। क्यों? क्योंकि पैसा नहीं। पर अब ऐसा नहीं होगा कायरा, मैंने पैसे का मीनिंग समझ लिया है और अब देख मैं कितना पैसा कमाऊंगा। मेहनत करूंगी, पैसा कमाऊंगा, फिर हमें ये सब झेलना भी नहीं पड़ेगा। हम दोनों ही है ना एक दूसरे के लिए, सो स्माइल स्माइल स्माइल। पागल, लेट करवाती है रोज रोज सेंटी करके। लीना, मैं गैली में फूड ट्रॉली चेक करके आती हूँ। चलेगा। हे, हाय। आप। हे, हाय लीना। क्या हो रहा है? लीना, क्या हुआ? मूड ऑफ है क्या? लीना, इतना ब्यूटीफुल चेहरा उतरा हुआ बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। ओके, कम ऑन, टेल मी क्या हुआ। विजय, प्लीज डोंट टच मी, प्लीज। ये नाटक ना मेरे सामने मत करो। तुम्हें क्या लगता है मैं बेवकूफ हूँ? मुझे पता नहीं है तुम्हारे और माया के बारे में। What? माया? लीना, ये सब बातें कौन भरता है तुम्हारे दिमाग में? विजय, मैंने तुम्हें और माया को अपनी आंखों से देखा है, ठीक है? हाँ तो देखा होगा। Then what? She's just my friend. Just a friend जिसकी तुम कमर में हाथ डाल के घूमते हो। तुम्हें क्या लगता है विजय मैं ये सब सहन करती जाऊँ, in spite of knowing कि तुम मुझे for granted लेने लग गए हो? लीना, come on. I never take you for granted. अगर मैं तुम्हें for granted लेता तो क्या मैं तुम्हारे लिए वो सब चीजें करता जो मैं किसी के लिए नहीं करता हूँ? I love you and I mean it. देखो विजय, I need some space. मुझे ये relationship को समझने के लिए थोड़ा space चाहिए, थोड़ा time चाहिए. मैं नहीं कह रही हूँ कि मैं तुमसे ब्रेकअप कर रही हूँ, तुमसे दूर जा रही हूँ, बस I just need time. और वैसे मैं थक चुकी हूँ, कभी ये माया, कभी श्रद्धा, कभी कोई. Lina, just stop it, yeah. What माया, श्रद्धा? I'm saying that I love you, yeah. देखो विजय, मुझे लाइफ में अपनी प्रायोरिटी समझनी है, देखना है कि मैं कहाँ स्टैंड करती हूँ, और वैसे भी तुमसे बात करना इज जस्ट इम्पॉसिबल. लीना, हाँ लीना, मेरे साथ ऐसा कोई नहीं कर सकता और तुम भी नहीं. यू कॉट इट? छोड़ो मत. बुरा झगड़ा हुआ क्या? यार तुझे तो पता ही है वो कैसा है, गुस्सा हमेशा नाक में रहता है उसके, कुछ भी बोलो सीधा हाथ उठाना स्टार्ट कर देता है. Started getting so scared of him, यार. It's very simple, लीना. तुझे खुद से सिर्फ एक सवाल करना है कि उसके साथ रहते हुए तुझे खुशी मिलती है या नहीं, सिक्योरिटी की फीलिंग आती है या नहीं, एंड दैट्स इट. ब्लड नहीं रुक रहा है यार. एनीवेज, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता. ओह सी, एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी तो है ही ना. आई मीन लुक एट यू, तू कितने डिफरेंट बैकग्राउंड से है और तूने बहुत बुरा वक्त देखा है यार. पूरी जिंदगी तूने पैसे कमाने के लिए बहुत ज्यादा स्ट्रगल किया है, तो एटलीस्ट इतना तो. देख, आई नो मैंने स्ट्रगल किया है और मुझे पता है कि मुझे पैसे की वैल्यू है, लाइफ ने मुझे पैसे का मीनिंग समझाया है, लेकिन मैं उसके पैसों के लिए उसके साथ नहीं हूँ साशा. लाइफ ने मुझे पैसे की वैल्यू समझाई है, मेरे स्ट्रगल ने मुझे बहुत कुछ सिखाया, लेकिन मैं अपना सेल्फ रिस्पेक्ट दांव पे नहीं लगा सकती. मैं भी तो उससे प्यार करती हूँ ना यार, मैं कब तक सहन करती रहूँ? देख, मैं जानती हूँ कि मुझे ऐसे किसी लड़के के साथ नहीं रहना जिसकी खुद की लाइफ में स्ट्रगल हो, जो फाइनेंशियली खुद ही थोड़ा वीक हो, क्योंकि उससे मेरी मुश्किलें बढ़ जाएंगी. बट नॉट लाइक दिस. एक पिज्जा और उसको गले से उतारने के लिए एक कॉफी. कितना हुआ? 600. 600 पैसे तो नहीं बोल रहे आप? पिज्जा रहने दीजिए, फिर तो कॉफी की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना? ओके, हैव अ गुड डे. जेब में तो फूटी कौड़ी होती नहीं है.
आ जाते हैं पिज्जा खाने। कंपनी की वजह से प्लेन में चढ़ा होगा। करेक्ट। यार मुझे पता है पैसा बुरा नहीं होता है, इनफैक्ट बुरे वक्त में पैसा काम आता है। मैं ऐसी सिचुएशन में फंसी हुई हूँ ना, आई जस्ट डोंट नो व्हाट टू डू यार। आई अंडरस्टैंड यार, इन पैसे को लेकर एक बार मन में इनसिक्योरिटी आ जाए ना तो बहुत अंदर तक घुस जाती है। एंड आई रियली विश कि मैं विजय वाले डिसीजन में तेरी कुछ मदद कर पाती। एंड आई विश मेरे लिए इस यूनिवर्स में कुछ अच्छा हो, कुछ पॉजिटिव हो, लेकिन मुझे नहीं पता वो कैसे आएगा, कब आएगा, बट आई कैन वेट फॉर इट। नमस्कार, वेलकम टू ग्रेविंग एयरलाइंस। वेलकम टू ग्रेविंग एयरलाइंस सर। लीना, लगता है आपकी पहली फ्लाइट है इसलिए नर्वसनेस के मारे आपने अपना ये होट काट लिया। भाई साहब आप हटेंगे, दूसरों को जाने दें। जी नमस्ते, वेलकम। मिस लीना की स्माइल फेक है, पर क्यों? नमस्कार, ग्रेविंग्स उड़ान संख्या 326 में आपका स्वागत है। ये उड़ान दिल्ली से मुंबई तक की दूरी 2 घंटों में तय करेगी। हम आशा करते हैं कि आपकी यात्रा सुखद हो। धन्यवाद। देवियों और सज्जनों, कृपया हमारे सुरक्षा निर्देशों पर ध्यान दें। कुर्सी की पेटी बांधने के लिए सिरों को बकल में डाले और खींच कर कस ले। खोलने के लिए फ्लैप को उठाएं और सिरों को अलग कर लें। कैबिन में हवा के दबाव में कमी होने पर ये नकाब स्वयं नीचे आ जाएंगे। अपने स्थान पर बैठे रहें और ऑक्सीजन का प्रवाह शुरू करने के लिए इसे अपनी ओर खींचे और नाक मुंह ढककर सांस लेते रहें। यदि आपात स्थिति में विमान को पानी पर उतरना पड़े तो रक्षा जैकेट आपकी सीट के नीचे रखी गई है। रक्षा जैकेट को सिर्फ द्वार के निकट ही फुलाएं। इसे और फुलाने के लिए नली में हवा भरें। कृपया अपने नजदीकी निकास को पहचानें। आपातकालीन स्थिति में बाहर जाने के लिए 2 द्वार विमान के पिछले भाग में हैं, 2 द्वार ओवरविंग भाग में हैं और 2 आगे की ओर हैं। कैबिन में बिजली चली जाए तो फर्श पर लगी आपातकालीन पट्टियों की मदद से अपने नजदीकी निकास तक पहुंचे। धन्यवाद। थोड़ा ज्यादा हो गया ना, सॉरी। हेलो एवरीबॉडी, वेल हमारी आज की कहानी है लीना और समीर की। लीना वो जो अपनी लाइफ में एक प्यार, पैसे और खुशी का जो डेलिकेट बैलेंस होता है उस बैलेंस को बनाने की पूरी कोशिश करती है, एवरीथिंग दैट शी कुड डू। अपनी अर्ली लाइफ में उसने जो फाइनेंशियल क्राइसिस फेस किए थे वो उसे पुश कर रहे थे फाइनेंशियल सिक्योरिटी की तरफ। बट माई क्वेश्चन इज कि क्या खुश रहने के लिए सिर्फ फाइनेंशियल सिक्योरिटी काफी है? आई डोंट थिंक सो। और दूसरी तरफ समीर, एक रेगुलर सेल्समैन,
और जैसे कि उसका नाम है हवा का झोंका, वो लीना की लाइफ में एक हवा के झोंके की तरह है और इनवॉलंटरली उसके चेहरे पे मुस्कान हमेशा लेकर आता है। लेकिन गाइस ये जो प्यार होता है ना, ये बहुत ही अजीब चीज है। अभी अजीब कैसे हम आपको बताएंगे हमारे आज के एपिसोड में। तो कृपया करके अपनी अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, अपने अपने इलेक्ट्रॉनिक उपकरण यानी कि अपने टीवी ऑन कर लीजिए और तैयार हो जाइए हमारी इस विश्वास की उड़ान के लिए, अ फ्लाइट ऑफ बिलीव। वेलकम टू येट अनदर एपिसोड ऑफ ग्लैमर प्रेजेंट्स बिंदास ये आशिकी, को प्रेजेंटेड बाय वाइल्डस्टोन, पावर्ड बाय कॉमन स्मार्ट। सर, ये आपके अचारे पनीर सैंडविच, एंजॉय योर मील सर। तो सर, आज की उड़ान में आप क्या खाना पसंद करेंगे? अब आपने खूबसूरत स्माइल के साथ पूछ रहे हैं तो जरूर खाना पसंद करेंगे। वैसे बोर्डिंग टाइम वाली फेक स्माइल और इस स्माइल में ना जमीन आसमान का फर्क है। वो जो स्माइल थी ना, उससे आपका दुख स्पिल आउट कर रहा था। तो सर, मैं आपको क्या दूं खाने में? सच पूछिए तो मुझे ना फ्लाइट के खाने के बारे में ज्यादा पता नहीं है और आपसे ज्यादा पता किसी को नहीं है, तो आप ही कुछ सेलेक्ट करके दे दीजिए ना। बस आप पीनट्स नहीं होने चाहिए, वो क्या है कि पीनट्स से मुझे एलर्जी है। या ओके सर। ये आपका वेज बर्गर सर, ये लीजिए, एंजॉय योर मील सर। आई डेफिनेटली विल, थैंक्स। मिस लीना की स्माइल फेक है, पर क्यों? लीना की स्माइल फेक है, सही तो कह रहा था, अपने ही झूठ में सड़ रही है पागल। अरे भाई साहब देखिए ना क्या हुआ इन्हें। अरे कोई डॉक्टर है फ्लाइट में? भाई साहब सर, आप लोग प्लीज बैठ जाइए सर, प्लीज चिंता मत कीजिए, वो ठीक हो जाएंगे, प्लीज सर। सर साशा रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स, क्या हुआ लीना? जल्दी से इमरजेंसी किट लेके आओ प्लीज। ओके अभी ला। सर रिलैक्स रिलैक्स सर रिलैक्स। पीनट बटर, और आपसे ज्यादा पता किसी को नहीं है, तो आप ही कुछ सेलेक्ट करके दे दीजिए ना। बस आप पीनट्स नहीं होने चाहिए, क्या है कि पीनट से मुझे एलर्जी है। आई थिंक पीनट बटर की वजह से इनको एलर्जी हो गई, इन्हें बूस्टर देना पड़ेगा। सर बस एक मिनट सा, हो गया। थैंक्स मेरी जान बचाने के लिए, मगर मेरी जान लेने का प्लान भी तो आप ही ने बनाया था ना। I'm so sorry sir, but I didn't mean to. It's okay. I'm just kidding. लेकिन पता है, अगर आप मेरी ऐसी जान बचाती रहे ना, तब जितनी बार चाहे मेरी जान लेने का प्लान बना सकते हैं। लेकिन उसके बाद ऐसे ही बिजनेस क्लास में शिफ्ट कर दीजिएगा। सर, आप बिल्कुल पागल, बिल्कुल पागल। वो तो मैं। और इस पागल की एक छोटी सी रिक्वेस्ट भी, आप ना हंसा ज्यादा कीजिए, फेक वाली नहीं, ये वाली असली वाली स्माइल। पता है आप जब असली में मुस्कुराती है ना, तो आप और खूबसूरत लगती है। अच्छा। नमस्कार, मैं आपका कप्तान सुहेल बोल रहा हूँ। दिल्ली एयरपोर्ट में किसी तकनीकी परेशानी की वजह से इस उड़ान को जयपुर में कुछ घंटे रुकना पड़ेगा। हम लगभग 45 मिनट में वहां लैंड करेंगे और 5 घंटे बाद यही एयरक्राफ्ट दिल्ली की ओर रवाना होगा। इस असुविधा के लिए हमें खेद है और आपके पूरे कोऑपरेशन की अपेक्षा रखते हैं। धन्यवाद सर, यू टेक रेस्ट, मैं अभी आती हूँ। लेकिन मेरी अर्जेंट मीटिंग है। I apologize sir, but please try to understand. थोड़ा इनकन्वीनियंस होगा, लेकिन कैप्टन ने डिसीजन पैसेंजर्स की सेफ्टी के लिए ही लिया है। प्लीज सर।
अभी तक नाराज हो मुझसे। I'm seriously sorry यार, मुझे अचानक से गुस्सा आ गया था यार। But I didn't mean it यार। But हाँ एक बात, मेरी लाइफ में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट सिर्फ तुम ही हो यार। Just trust me। ओ, मैं तो तुम्हें बताने भूल गया। मैंने कायरा के लिए एक ऑटोमेटिक व्हीलचेयर देखी थी। जाते वक्त तुम इसे भी ले लेंगे हाँ? मुझे खरीदने की कोशिश मत करो विजय, प्लीज। लीना, तो फिर मैं ऐसा क्या करूं कि जिससे ये साबित हो जाए दैट आई लव यू? बस मेरे साथ रहो, जब मुझे जरूरत है मुझे सपोर्ट करो, लेकिन पैसों से नहीं दिल से। सपोर्ट हाँ, कम ऑन लीना, तुम भी ये बात अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं जानती हो कि तुम्हें सिर्फ मेरे पैसों से प्यार, नथिंग एल्स। शट अप विजय, तुम कैसी बातें कर रहे हो? तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे पैसों के लिए? मैं तुम्हारे साथ इसलिए हूँ क्योंकि मुझे तुमसे प्यार है, और अब तो मुझे ये सब भी गलत लग रहा है। गलत? क्या क्या गलत लगता है तुम्हें? हाँ लीना, कल को जब तुम्हें पैसों की जरूरत पड़ेगी ना, और मैं तुम्हें देने के लिए राजी हो जाऊं, तब देखना तुम मेरी उंगलियों के इशारों पे नाचोगी। You got this? और वैसे मेरे पास तुम्हें देने के लिए वो है जो तुम्हें इस दुनिया में सबसे ज्यादा प्यारा है, पैसा, फाइनेंशियल सिक्योरिटी, और मैं ही हूं जो तुम्हें आई होप यू आर फाइन सर। मच बेटर। मिस लीना, इन्हें किसी चीज की भी जरूरत हो तो प्लीज टेक केयर। श्योर सर। थैंक यू। सर आपके लिए कुछ लेके आऊं? क्या मैं तुम्हें लीना बुला सकता हूं? तो लीना, ये लाइफ जब अगर खट्टे नींबू दे रही हो ना, तो उसका नींबू पानी बना के गले से गटक लेना चाहिए, अनलेस तुम्हें नींबू से एलर्जी। यही था वो जिसने तुम्हें? ये मेरी पर्सनल प्रॉब्लम है सर, आपको अगर कुछ चाहिए तो मैं आपको लाके देती हूँ। तो मेरी एक बार बात तो सुनो सर, यहाँ पर पैसेंजर्स अलाउड नहीं है। एक बार मेरी बात तो सुनो प्लीज सर, अगर आप नहीं लौटे तो मुझे कैप्टन को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। एक बार मेरी बात तो सुनो। एक बार खुद को देखो, मुझे एक अजनबी होते हुए साफ दिखता है तुम्हारे साथ कुछ तो गड़बड़ चल रहा है। पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि लीना तुम आजाद नहीं हो, खुद में घुट रही हो तुम। और सच पूछो ना, तो मुझे तुम्हें ऐसे देख के ना अच्छा नहीं लग रहा। पर आपको मेरी लाइफ से क्या वास्ता है सर? वास्ता है पता नहीं क्या वास्ता है, लेकिन मुझे तुम अच्छे लगने लगे। आई थिंक मुझे तुमसे प्यार हो गया। हमें कुछ घंटे भी नहीं हुए मिले, अभी कुछ देर पहले हमने एक दूसरे को देखा और प्यार हो गया। वाह जानता हूं, पर मैंने कहीं ये भी सुना है कि जो प्यार होता है ना, इसे होने में सदियों की जरूरत नहीं होती, एक पल काफी होता है। होने को तो पलक झपकते हो जाता है, और फिर नहीं होना तो नहीं होता। पर मुझे तो हो गया। अच्छा मेरा एक प्रपोजल है, देखो घबराओ मत, शादी का प्रपोजल नहीं है, मतलब एटलीस्ट अभी तो नहीं है। मेरा एक प्रपोजल है लीना, कि ये जो जयपुर में हमें 4 घंटे मिले ना, ये तुम मेरे साथ बिताओ। आई प्रॉमिस, ये 4 घंटे ना तुम अपनी पूरी जिंदगी कभी नहीं भूलोगे। और हाँ लीना, ये जो पैसा होता ना, ये जिंदगी में जरूरी नहीं होता। प्लीज
इस ट्रैप से खुद को बाहर निकालो. जस्ट फ्री योरसेल्फ लाइक अ बर्ड. जस्ट फ्लाई, जस्ट फ्लाई, केयरफुली. ओके, मैं तुम्हारे जवाब का वेट करूंगा. टेक अ टाइम.